अस्सलाम वालेकुम मोजेस नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। बीजेपी गोचम अहल एमएलए राजा सिंह ने अपनी एक इश्तियाल अंगेज वीडियो में गरीब नवाज अजमेर शरीफ बारगाह की शान में गुस्तखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिस पर बहादुरपुरा व किशनबाग के अतराफ व अकनाफ के नौजवानों ने मिलकर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पहुँच कर गोचम अहल बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और जल्द से जल्द राजा सिंह की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया, वरना नौजवानों ने इस मसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर रैली निकालने की भी बात जाहिर की। इतला के साथ ही मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने भी पुलिस स्टेशन पहुँच कर पुलिस एहलकारों से इस मामले में बातचीत की। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर 90s न्यूज़ के साथ। बात करके पहले भी बोलो साहब, थोड़ा बोलो, बोलने की जरूरत है। अच्छा साहब, मीडिया में क्या बोलो भाई साहब, मीडिया में दरखास्त ले लिए, मैं ऑफिसर से बात करूँ, ऑफिसर से डिस्कस करके देरी ना हो गए। कल ले अभी जो प्रोटेस्टर है यहाँ पर, ये जो प्रोटेस्टर्स है इनका कहना है कि राजा सिंह के खिलाफ कईयों FIR हुए लेकिन कार्रवाई पुलिस कुछ नहीं करी। इसके बारे में लेते कभी भी एक्शन लेते 100% लेते हैं। हाँ सर, लेना लेना है, सब मिले हुए उनके ऊपर है, तो जो बोले उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए साहब, कोई एक्शन नहीं लिए। आज हम रोड पे आके धरना देने की वजह वो ये, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर उसको अरेस्ट करो साहब, क्या होने का, जो बोले बोलते जाएंगे आपको दे दिया। अरे साहब नहीं साहब, हर हमेशा पब्लिक को ये दिलासा दे रहे हैं, उसको अरेस्ट कब करते आप साहब? हम खामोश बैठने वाले नहीं, उसको अरेस्ट करो आप, उसको अरेस्ट करो। बार बार पब्लिक को दिलासा दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं आप, अरेस्ट करो साहब आप। ये हरकत आम आदमी करता था, उसको अरेस्ट करते थे आप, एमएलए को अरेस्ट कर रहे हैं आप। इन्वेस्टिगेशन साहब, एमएलए दूसरे भी है स्कूल में, जिसने आप अरेस्ट करो साहब, इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरा, उसका वीडियो हजारों जगह वायरल हो रहा है, हजारों जगह वायरल हो रहा है साहब। अगर हम बोलते भाई साहब, आप उसको अरेस्ट करो साहब, साहब उसका बहुत हो गया, अब हम खामोश बैठना नहीं है साहब, हम खामोश बैठना नहीं है साहब, हमारे नाकाबिल एमएलए जो बीजेपी से ताल्लुक रखता राजा सिंह, जो आज हमारे राजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के शान में गुस्ताखी की, जो हम तमाम मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है कि उसके नाम पे FIR दर्ज करे और इमीडिएट एक्शन ले, क्योंकि ये रिलीजन सेंटीमेंट के साथ खेल रहा है और हर थोड़े दिन में इस हम मुसलमानों के नाम पर वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। और हम जैसे कि हर मजहब की इज्जत करते हैं, हम भी सामने से वही चाहते हैं कि हर कोई एक दूसरे के मजहब की इज्जत करे, और तेलंगाना पुलिस से हम जस्टिस चाहते हैं, ताकि वो जो इस तरीके से हमारे को एक पिटीशन दिए, एक्नॉलेजमेंट दिए, हम चाहते हैं कि इस पे FIR दर्ज हो और अरेस्ट करे और मुकदमा हो। राजा सिंह इसी तरह कई दफा कर चुका है और पिटीशन ऐसे ही लेते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। अभी हम चाहते हैं कि FIR हो और अरेस्ट हो, और हमको जस्टिस चाहिए। खाता है ही जो बुजुर्ग है उनके खिलाफ ये जो अल्फाज अदा करा है राजा सिंह, बस जो मुसलमानों के दिल को धोत पहुंची है और शैतानी अल्फाज है उसके। और यहाँ के नौजवानों ने आगे बाजूपुरा PS में कंप्लेंट दी है, हमारे CA साहब ने वादा किए मेरे सीनियर ऑफिसर से मिलके बराबर उसके ऊपर एक्शन करूँगा बोल के, और ऑनलाइन कंप्लेंट भी उनके चले गया है। मैं मेरे नौजवानों से बोलता हूँ कि आप लोग जाइए वापस, इंशाल्लाह ताला कानून जो भी काम करेगा इंशाल्लाह ताला बराबर हम उसके साथ देंगे, अगर कानून हमारा साथ नहीं देगा तो हम IR ऑफिसर से भी कल मुलाकात करेंगे। नाकाबिल MLA जो बीजेपी से ताल्लुक रखता राजा सिंह,
जो आज हमारे राजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के शान में गुस्ताखी की, जो हम तमाम मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है कि उसके नाम पे FIR दर्ज करे और इमीडिएट एक्शन ले, क्योंकि ये रिलीजन सेंटीमेंट के साथ खेल रहा है और हर थोड़े दिन में इस हम मुसलमानों के नाम पर वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। और हम जैसे कि हर मजहब की इज्जत करते हैं, हम भी सामने से वही चाहते हैं कि हर कोई एक दूसरे के मजहब की इज्जत करे। और तेलंगाना पुलिस से हम जस्टिस चाहते हैं, ताकि वो जो इस तरीके से हमारे को एक पिटीशन दिए, एक्नॉलेजमेंट दिए, हम चाहते हैं कि इस पे FIR दर्ज हो और अरेस्ट करे और मुकदमा हो। राजा सिंह इसी तरह कई दफा कर चुका है और पिटीशन ऐसे ही लेते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। अभी हम चाहते हैं कि FIR हो और अरेस्ट हो और हमको जस्टिस चाहिए। बोलता है